अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम आपको असाइनमेंट्स एंड क्विजेस बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आप टीम्स ऑन कर लेंगे। टीम्स में आपकी क्लास होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डमी क्लास बनाई हुई है एडीपी आर्ट्स। आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, आप देखेंगे पोस्ट फाइल क्लास नोटबुक असाइनमेंट्स। आप इन टैब को क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से दो असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं। आप जैसे ही असाइनमेंट्स के टैब में आएंगे, क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट में आपके पास असाइनमेंट और क्विज का ऑप्शन होगा एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग का। इन दोनों ऑप्शन में से आप कोई एक कंसीडर करेंगे, इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे। असाइनमेंट्स, आप पहले असाइनमेंट का टाइटल डालेंगे, असाइनमेंट 3। आप असाइनमेंट का क्वेश्चन इसमें लिखेंगे एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो रूल्स होंगे, उसके बाद उसके पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये असाइनमेंट 10 पॉइंट्स की है। किस क्लास को आपने असाइनमेंट देनी है? एडीपी आर्ट्स कंप्यूटर साइंस। क्लास के सब बच्चों को देनी है, इसलिए ऑल स्टूडेंट्स, इनको आपने नहीं छेड़ना। अच्छा, उसके बाद जिस दिन ड्यू है वो तारीख सेलेक्ट कर लेंगे, जो टाइम सेलेक्ट करना है वो कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जून 4th को 8:30 पे असाइनमेंट एंड हो जाएगी। आप असाइन कर दें बच्चों को। जैसे ही आप असाइन का बटन क्लिक करेंगे, आप देखेंगे असाइनमेंट 3 डिज़ाइन हो चुकी है और असाइन हो चुकी है बच्चों को, और बच्चों की एक्टिविटी में वो असाइनमेंट शो हो रही होगी। जैसे एज यू कैन सी, मैंने ये असाइनमेंट दी तो ये असाइनमेंट यहाँ पे शो हो रही है। अब जैसे ही बच्चे व्यू असाइनमेंट करेंगे तो उनको ये असाइनमेंट शो होगी और इसका क्वेश्चंस भी शो होंगे। बच्चे आपको काम करके उसमें आपको असाइनमेंट वापस कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट असाइनमेंट की जो है वो फीडबैक्स आए हुए हैं, तो मैं आपको फीडबैक्स दिखा देती हूँ। असाइनमेंट चेक करने का तरीका, असाइनमेंट 1, आप देख सकते हैं कि नॉट टर्नड इन वाले बच्चों ने मुझे असाइनमेंट वापस नहीं की, टर्नड इन वाले बच्चों ने असाइनमेंट वापस कर दी है। अब आप प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप बच्चों को फीडबैक देंगे।